साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज के इस सेशन में दोस्तों हम प्रगतिवाद के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। प्रगतिवाद के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में जानने वाले हैं। सभी साथी आ चुके हैं तो एक बार जल्दी से लाइक कर दें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, सुबह सभी साथी दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों, और ये जो बुक है, बुक लॉन्च की गई है दोस्तों, ये हिंदी साहित्य की एमपी टेट वालों के लिए भी बढ़िया है, वर्ग एक और वर्ग दो वालों के लिए, ठीक है। पीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी बहुत बढ़िया, ये टॉपिक वाइज दोस्तों आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। सो जिनको भी मंगवाना है, परीक्षा के टाइम को मत बैठना दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है कि पंजाब मास्टर कैडर वाले बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मंगवा रहे थे पुस्तक को, लेकिन उतना टाइम नहीं बचा कि सर ये जो पुस्तक है 6-7-8 दिन इसमें पहुंचने में लगते हैं दोस्तों, है ना, बाई पोस्ट के माध्यम से। तो जिनको भी मंगवाना, अभी मंगवा सकते हो। 500+99 पोस्ट चार्ज, यानी कि कुल आपको 599 पे करना है। इसमें दोस्तों 3000 के लगभग क्वेश्चन है और साथ ही इसमें लास्ट में महत्वपूर्ण कथन भी दिए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथियों के लिए मंगवा सकते हैं। और जो उनको विस्तृत नोट्स मंगवाना है दोस्तों हिंदी साहित्य के, वो भी दोस्तों ये मंगवा सकते हैं। विस्तृत नोट्स संपर्क कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है। और दोस्तों हिंदी साहित्य में जिनको भी एडमिशन लेना है, जिन भी साथियों को, वो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं और 12 महीने तक दोस्तों आपकी फीस रहेगी, 12 महीने तक की मात्र 1500 रुपए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाले सभी साथी अभी भी दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप ट्रेंडिंग में एक कोर्स चल रहा है टीजीटी पीजीटी का, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो यहां पर दोस्तों आता है, यहां पर अपन को पढ़ते हैं वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। बिल्कुल, 8 दिन तो लगते हैं, 7-8 दिन लगते हैं मधुर जी, ठीक है। यहां पर बताना है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। चलिए इसे बताइए, त्रिलोचन, नागार्जुन, धूमिल या किस कवि का नाम है। 109 नंबर का क्वेश्चन है। सभी की शुरुआत बहुत बढ़िया, शुरुआत वैद्यनाथ मिश्र, त्रिलोचन की, धूमिल, नागार्जुन या फिर मुक्तिबोध, चयन करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ये वाली बुक है आपकी 3000 क्वेश्चन वाली, एक बार देख लो अच्छे से। इसका डेमो भी मैंने डाला है, 3000 क्वेश्चन की बुक दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। यहां पर आपका उत्तर हो गया कि सर वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। और कल आपसे पूछा था कि प्रेत का बयान नामक कविता के रचयिता कौन है, नामक कविता के रचयिता बताना है, जल्दी से बताइए। 110 नंबर का क्वेश्चन, 110 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर पटापट आनी चाहिए। नागार्जुन, माकला चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर, प्रेत का बयान ये रचना किसकी मानी जाती है, किसकी मानी जाती है। प्रेत का बयान आ गया, और सर प्रेत का बयान क्या आया, नागार्जुन, यानी ए नंबर नागार्जुन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे चल रहा है नंबर, नागार्जुन आपका सही है। गीत परोस, गीत परोस नामक प्रसिद्ध कविता, कई बार ट्रिक से भी याद करवाया मैंने आपको, गीत परोस, किसके गीत परोस बताओ, फटाफट बताओ, किसके गीत परोस है ना। बोले सर हमें तो सिर्फ भवानी के गीत परोस, भवानी कहके, भवानी के गीत परोस, तो भवानी प्रसाद मिश्र, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से, 112 नंबर का क्वेश्चन है। प्रगतिवाद का बताना है दीपिका जी, संगीता जी, सुनीत जी बताइए प्रगतिवाद का संबंध किससे है, 112 का उत्तर बताइए, 112 नंबर में। और सभी को पता है कि सर प्रगतिवादी जो काव्यधारा थी, ये काव्यधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी, मार्क्सवाद से प्रभावित थी, तो प्रगतिवाद का जो संबंध है वो किससे है, वो है मार्क्सवाद से संबंध है। बहुत बढ़िया आंसर, तो आपका उत्तर चला जाएगा मार्क्सवाद, यानी सी नंबर, ठीक है, मार्क्सवाद। आओ रानी हम ढाएंगे पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है, 113 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। आओ रानी हम ढाएंगे पालकी कही हुई है राय जवाहरलाल की, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की मानी जाती है, 113 नंबर का क्वेश्चन है। 113 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बता दो जल्दी से, एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, ये जो पंक्ति है
113 नंबर की पंक्ति, वो पंक्ति नागार्जुन की है, नागार्जुन की, ठीक है। आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, फूल नहीं रंग बोलते हैं। काव्य संग्रह किस कवि का है, किस कवि का है, 114 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, कीर्ति गुप्ता जी, गीता सैनी जी, कविता जी, फूल नहीं रंग बोलते, कहां के? बोले सर हमारे पड़ोसी के यहां फूल नहीं रंग बोलते, पड़ोसी के नहीं, केदारनाथ में, तो केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट। प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है, 115 में प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा बताना है, बताइए। दीक्षा जी, आस्था सिंह जी, सभी लोग बताएंगे प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो सभी मित्रगण, ठीक है। और प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा बताना, क्वेश्चन अच्छा है, सभी का आंसर आनी चाहिए। सभी ने आंसर बताया कि सर प्रगतिवाद जो माना जाता है 1936 से लेकर के 43, यानी बी नंबर, ठीक है, बी नंबर सही। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था, यात्री नाम से, मैथिली में, मैथिली में, त्रिलोचन, धूमिल, सुमन या फिर नागार्जुन, मैथिली में यात्री नाम से कौन लिखता था, आलोक जी, यात्री नाम से कौन लिखता था, 116 नंबर का क्वेश्चन है, 116 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे, सभी साथियों का उत्तर जा रहा है कि सर मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे कौन, कौन लिखते थे, नागार्जुन, नागार्जुन अपन को याद कर लेना, ये यात्री उपनाम से लिखते थे। कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है, 117 का उत्तर, हरियोध, त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर केदारनाथ, प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है, प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है, 117 नंबर का क्वेश्चन है, 117 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है। और राइट आंसर जा रहा कि सर प्रगतिवादी कवि नहीं है कौन, हरियोध, हरियोध नहीं है, ये नंबर हरियोध आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये प्रगतिवादी कवि नहीं है हरियोध, बाकी नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, अग्रवाल ये तो है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत बताइए। 118 में प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, या फिर शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, कौन सा कथन गलत है, 118 नंबर का क्वेश्चन है, 118 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, 118 में कौन कौन सही बताएगा, कुछ लोग बी बता रहे हैं, अधिकतर लोग सी बता रहे हैं, और आपका उत्तर सी ही सही है, स्थूल और सौंदर्य, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण ये नहीं किया गया, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बाकी प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है दोस्तों, धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई, ठीक है, और शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई, ये विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए प्रगतिवाद की, ठीक है। उसके बाद मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या, ये पंक्ति बताओ, मैंने कई बार आपको पढ़ाई है ये पंक्ति, कई बार दोस्तों याद करवाई, ट्रिक से भी करवाई, हरमिंदर जी, बबीता जी, बताइए ट्रिक आपको याद है कि नहीं है। 119 नंबर का क्वेश्चन है, 119 नंबर के क्वेश्चन में मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या, 119 का उत्तर जा रहा कि सर ये मारो 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 हसिया, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति में सभी को ट्रिक याद आई कि नहीं आई, आई होगी। केदारनाथ अग्रवाल, ये नंबर आपका राइट आंसर है, ये नंबर, ठीक है। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन सा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन सा नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास, जयशंकर प्रसाद, शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि कौन सा मार्क्सवादी कवि नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन, तो बताएं। अर्चना जी जल्दी जल्दी से बताइए, 120 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है, कौन नहीं है,
और 120 नंबर का उत्तर चला गया कि सर देखो केदारनाथ अग्रवाल तो है मार्क्सवादी प्रगतिवादी कवि, शमशेर बहादुर भी है, रामविलास शर्मा भी है, लेकिन जयशंकर प्रसाद नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों मैंने यहां पर आपको बताई थी ट्रिक, क्या बताई थी, केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो व्यक्ति बह गए और व्यक्तियों के हाथ में जो आभूषण थे, सोने की अंगूठी थी या कुछ थी, तो उनके हाथ फूल गए थे। तो लोगों ने क्या किया था उस समय, हसिया मार मार के उनके अंग काट के सोने के आभूषण निकाल लिए थे। तो मारो 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 हसिया, कहां पर हुआ था ऐसा कांड, ऐसा कांड हुआ था बोले सर केदारनाथ में। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी, केदारनाथ अग्रवाल की हो जाएगी, क्योंकि केदारनाथ में बोले सर ऐसा कांड हुआ था। ठीक है, हिंसा और अहिंसा क्या, ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है, कवि का मूल उद्देश्य बताइए जल्दी से। 121 नंबर का क्वेश्चन है, याद करना है आपको दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना है। अपन पेंसिल के बारे में जानते हैं, पेंसिल से दोस्तों अपन को किसी और का ज्ञान प्राप्त करना है, समझ गए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण का सूत्र पढ़ा हो गया आपने एक, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ा है, तो अपन ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहां पर कुरुक्षेत्र की रचना कवि का मूल उद्देश्य क्या था ये बताना है 121 नंबर में। वो आपको बताया कि सर युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 122 नंबर का क्वेश्चन है, 122 में अब आप लोग क्या उत्तर लगाओगे बताओ, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, चयन करिए। 122 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया और कई बार आप सभी साथियों को यहां पर पढ़ना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा यहां पर, बहुत सारे लोग 36 बताएंगे, लेकिन आपको 36 नहीं बताना दोस्तों, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 में, कब हुई थी 1935 में, यहां पर आपको 1935 लगाना है। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में, कहां पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में, ये अपन को याद कर लेना है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हो गई थी पहले 1935 में, भारत में तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में, 36 में हुआ था कहां पर, लखनऊ में, ये चीज याद रख लेना। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम कहां हुई, कहां पर हुई, ये आपको बताना है। 123 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करो, 123 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, लाइक करना है। और दोस्तों 123 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बता है कि सर सर्वप्रथम इसकी जो भारतीय लेखक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी वो 1935 में हो गई थी, कहां पर हो गई थी 1935 में, ये हो गई थी कहां पर, लंदन में, लंदन में हो गई थी, ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट है 1935 में। ठीक है, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है, काव्य ग्रंथ की बताना है, चयन कर लो, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये पंक्ति बताइए, सुनील जी, नीता कुमारी जी, सीताराम जी, सभी लोग चयन कर दो एक बार। अच्छा क्वेश्चन, 124 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को बताना है, और जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर, अपने घर पर 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, विस्तृत नोट्स मंगवाना गद्य और पद्य साहित्य के, है ना, वो भी मंगवा सकते हैं। तो क्षमा सोपती यानी कि 124 नंबर का क्वेश्चन है, और 124 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति कुरुक्षेत्र से ली गई है, कुरुक्षेत्र ये रचना किसकी है, दिनकर की है। उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है ना। उर्वशी, उर्वशी जिसकी रचना दोस्तों दिनकर जी ने की थी, ठीक है, दिनकर जी ने। और दोस्तों
ये उर्वशी के कामाध्यात्मक पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है, 125 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। लखविंदर जी, मोहित जी, ओमदेव जी, दुर्गेश जी, सभी लोग चयन करेंगे। शेयर भी कर दिया करो सभी साथी, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, आप सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं मात्र 1500 रुपए में, ठीक है। उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है, प्रभाव बताइए। और सभी लोगों का आंसर जा रहा कि सर 125 नंबर का उत्तर है, किसका प्रभाव है, वर्षवर्थ का प्रभाव है क्या, भी नंबर बता रहे बहुत सारे साथी, लेकिन आपका उत्तर है कि सर डीएच लॉरेंस यानी सी नंबर, कामाध्यात्म पर डीएच लॉरेंस विदेशी लेखक का प्रभाव सी नंबर आपका सही है, लॉरेंस का, लॉरेंस याद कर लेना। अगला है उर्वशी का काव्य रूप क्या है, काव्य रूप बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य रूप क्या है, 126 नंबर का क्वेश्चन है, 126 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, 126 में उर्वशी का काव्य रूप क्या है, महाकाव्य, खंड काव्य या फिर गीति नाट्य है, बताइए 126 में। और बहुत सारे साथी बिल्कुल सही बता रहे हैं, करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि सर ये जो उर्वशी है, ये उर्वशी, उर्वशी क्या है, ये उर्वशी गीति नाट्य है, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये, गीति नाट्य, गीति नाट्य माना जाता है दोस्तों उर्वशी, ठीक है। इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए फटाक से, और एक बार लाइक कर दो जल्दी से। चयन करना है, दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, जल्दी से बताना है दोस्तों, फटाक से बताइए, दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, दिनकर की कृति बताना है। और आपको बताइए कि सर परशुराम की प्रतीक्षा है, ओंकार भी है, रसवंती भी है, ये वैदेही वनवास नहीं है, वैदेही वनवास तो हरियोध की है, कभी सम्राट हरियोध की, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर। उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था, उर्वशी का प्रकाशन बता दो जल्दी से, उर्वशी का बताइए छवि जी, उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 128 नंबर का क्वेश्चन है। जिन भी साथियों को दोस्तों ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मंगवाना, ये बुक मंगवाना अपने घर पर, ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले मंगवा लेना, नहीं तो एग्जाम के टाइम पर बोलो कि सर अब भेज दो, है ना, उस टाइम हम नहीं भेज पाएंगे। उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था, 128 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर जा रहा कि सर 1961 में, यानी बी नंबर। और आपको पता है 1961 में प्रकाशन हुआ इसका, और 1972 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसको, उर्वशी, बी नंबर करेक्ट है दोस्तों। गा कोकिल बरसा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है, कोयल किसका प्रतीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। गा कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है, ऐसा क्वेश्चन आया आपके दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर, तो गा कोकिल बरसा पावक कण, तो यहां पर गा कोकिल है ना, इसका दोस्तों कवि का प्रतीक माना गया है, ये नंबर आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सभी लोग लाइक जरूर कर देना, रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास से रोज जुड़ना है आपको। अगर आपको पैड क्लास में पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, रेगुलर अध्ययन करना है, तो आप एडमिशन भी ले सकते हो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, ये पंक्ति किस कविता की है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति बह तोड़ती पत्थर, 123 नंबर का क्वेश्चन है ये, 130 में, और 130 का उत्तर बताना है, 130 नंबर का उत्तर बताना है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यानी कि बह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर निराला जी की पंक्ति, उसी से ये पंक्ति ली गई है दोस्तों, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ
किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? बताइए, काव्य संग्रह माना जाता है दोस्तों। 131 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 131 में प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ बताइए किसके प्रकाशन से माना जाता है? माना जाता है तार सप्तक के, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? अच्छा क्वेश्चन है। चार सप्तक प्रकाशित हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो अब यहां पर बताना है, सभी को पता है कि सर तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ये नंबर आपका सही है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? 132 नंबर में तार सप्तक के संपादक बताना है, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। चयन करिए सोना कुमारी जी, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तार सप्तक का संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और सभी का आंसर जा रहा कि सर अज्ञे जी हैं, सी नंबर सही है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ बताना है, सभी लोग बताइए प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? 133 नंबर में 133 का उत्तर बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दो दोस्तों, ठीक है। सभी साथी चयन करो, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943, 1949, 1953 या फिर 1959 से? यानी कि 133 का उत्तर राइट आंसर है, ये नंबर यानी 1943, ये नंबर सही है, बहुत बढ़िया। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, ए कथन किसका है? ए कथन किसका है? मुक्तिबोध, अज्ञे, शमशेर, ये भी बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए जल्दी से। चयन करना है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, ये कथन 134 नंबर का क्वेश्चन है। 134 में बताइए जल्दी से, फटाक से बताना है। 134 और 134 में आपका उत्तर है कि सर अज्ञे यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? किस काव्यधारा का विकास हुआ कालांतर में नई कविता? जल्दी से चयन करो फटाक से, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दें, दिया करो हमारे सभी साथीगण, ठीक है। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रगतिवाद के रूप में, प्रयोगवाद के रूप में, ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। और आपको बताया कि सर प्रयोगवाद का जो विकास हुआ वो नई कविता कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन 136 नंबर का क्वेश्चन है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1953, 45, 48 या फिर 43 में? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 136 का क्वेश्चन पूछा गया 136 नंबर में। और सभी लोगों को पता है कि सर जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है ये हुआ है 1943 यानी डी नंबर। डी नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, डी नंबर सही है। कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, अपन ने ट्रिक बनाई थी नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, तो तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो तार सप्तक का कवि नहीं है। तो आपको पता है नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी, नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से केदारनाथ से नहीं है, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? किस सप्तक में स्थान मिला है? ट्रिक बनाई थी अपन ने, हरि भवानी सकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे, है ना। तो हरि भवानी, हरि भवानी, तो यहां पर भवानी प्रसाद मिश्र और हरि और भवानी दोनों भगवान आए, भगवान तो दो भगवान आए, यानी ये द्वितीय सप्तक की ट्रिक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला? तब आपका उत्तर है कि सर दूसरे सप्तक में, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लाइक जरूर कर देना, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ है? 139 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को सभी साथी लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। दूसरा सप्तक
कब प्रकाशित हुआ है ये बताइए, चयन करिए फटाक से। 139 नंबर में आपसे पूछा गया और आपको पता है कि सर दूसरा सप्तक यानी कि ये प्रकाशित हुआ है कब। विकल्प है क्या यहां पर, कब हुआ? बोले सर विकल्प में नहीं है, है ना, तो विकल्प में यहां पर नहीं है 139 में। तब आपका यहां पर दोस्तों याद रख लेना है प्रथम सप्तक, प्रथम सप्तक यहां पर 1943 में, ठीक है, द्वितीय सप्तक 1951 में, 51 ठीक है, यहां पर 51 कर दो, सी नंबर में 51 कर दो, 1951 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। शमशेर बहादुर से है किस सप्तक के कवि हैं, 140 नंबर में किस सप्तक के कवि शमशेर, तो अभी अपन ने पढ़ा है हरि भवानी, ठीक है, बिल्कुल सुनीता जी संपर्क कर सकते हैं, जिनको भी बुक मंगानी है 3000 एमसीक्यू की, वो नीचे नंबर चल रहा है, आप सभी साथी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे शमशेर बहादुर से है किस सप्तक के कवि हैं, तो आपका उत्तर यहां पर फिर राइट जा रहा कि सर ये हरि भवानी जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, लो तीसरा यानी 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है 41 का उत्तर, सभी का आंसर तीसरा सप्तक, ठीक है, और तीसरे सप्तक की ट्रिक क्या बनाई थी, प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, है ना, यहां पर तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे, बहुत बढ़िया, और ये प्रतीक पत्रिका कब निकली थी ये भी आपको बताना है दोस्तों, बताइए अनुराग जी प्रतीक पत्रिका इसके संपादक कौन थे, प्रतीक पत्रिका के और ये कब निकली थी, 142 का उत्तर बताना है, सभी को बताइए जल्दी से, प्रतीक पत्रिका के संपादक भी बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक शेयर भी कर दे सभी साथी, और आपको बताए कि सर 142 नंबर के क्वेश्चन में प्रतीक पत्रिका यानी कि अग्गे लगा दो ये नंबर सही है, कब निकली थी प्रतीक पत्रिका, कौन बताएगा यहां पर, कौन बता रहा है प्रतीक पत्रिका, प्रतीक पत्रिका कब निकली थी, किसी को नहीं पता, देखते हैं कौन बता रहा है सबसे पहले, सत्यास त्रिपाठी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और किसी को नहीं पता, दारसु शर्मा जी बहुत बढ़िया, डॉक्टर किशोरी वेरी गुड, 1947 में, 1947 में दोस्तों ये अग्गे जी ने प्रतीक पत्रिका निकाली थी, है ना, ये याद रख लेना, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हो चुका था लेकिन प्रतीक पत्रिका से इसको बल मिला, और दोस्तों वास्तविक जो स्थापना मानी जाती है तो वो द्वितीय सप्तक से मानी जाती है, किसकी, है ना, याद रख लेना यहां पर। उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, नई कविता की, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन में आया था दोस्तों, बहुत बढ़िया, नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं है, बौद्धिकता क्षणवादिता अतिशय व्यक्तिकता या मार्क्सवादी दर्शन, बताओ नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चयन करो 143 का उत्तर, और सभी को पता है कि सर बौद्धिकता नई कविता की विशेषता है, क्षणवादिता है लेकिन अतिशय व्यक्तिकता भी है, है ना, और मार्क्सवादी दर्शन ये नहीं है, और पिछली बार क्वेश्चन विकल्प में ये नहीं था कुछ और था, तो आपका मार्क्सवादी दर्शन डी नंबर सही है। कोसबत सिमटी रहे यह चाहती नारी खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, ये पंक्ति किस कवि की है, पंक्ति भी नई नई मिल रही दोस्तों आप लोगों को, नई नई पंक्ति मिल रही है, नए नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना है, आपके पढ़ने का उत्साह भी बना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे बन भी रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में आप अटक भी रहे हो और कुछ क्वेश्चन बन भी नहीं रहे, है ना, ऐसा एक कॉम्बिनेशन अपना बना है। उस वत सिमटी रहे यह चाहती नारी खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, 144 नंबर में ये पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति है धर्मवीर भारती, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
नई कविता पत्रिका। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर किया करें, दोस्तों अपने मित्रों को शेयर कर दिया करें। आप सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, हिंदी साहित्य को बहुत स्ट्रांग करना है, तो आप सभी साथी स्ट्रांग बना सकते साहित्य को दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है नई कविता पत्रिका और 145 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन 146। सर्वे बताओ, अपन ने पढ़ा था प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने प्रयाग के कुंवर केदार, ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना है, प्रयाग के कुंवर केदार, ठीक है, प्रयाग के कुंवर केदार बताना है। 147 से 46 नंबर का क्वेश्चन बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से चयन करिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपने बिल्कुल सही बताया है ना, ये भी आपका हो गया, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों कि सर्वे यानी कि विजय कीर्ति के मत में सर्वेश्वर बने, यानी कि तीसरे सप्तक 146 नंबर का आपका उत्तर हो गया सी नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको एक बार सुधार लो दोस्तों, एक कोशवत सिमटी रहे अग्गे की पंक्ति है, सी नंबर आपका सही है। धर्मवीर भारती नहीं लगाना, अग्गे लगाना, सी नंबर आप लोग सही कर लो, सी नंबर आप सही कर लो 144 नंबर में, 144 में सी लगा लो सी, ठीक है। ये अग्गे की कोसबत सिमटी रहे ए चाहती नारी खोल देने लूटने पर, ये अग्गे की पंक्ति है, सी नंबर लगा लो सभी साथी, ठीक है। उसके बाद नई कविता में 1954 हो गया, और ये दो जो सर्वेश्वर हैं ये तीसरे सप्तक के, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है, 147 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है। महाभारत के पात्रों, लहरों की राजहंस, अंधायुग, संशय की एक रात, या फिर सिंदूर की होली, 147 में सभी बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से। और महाभारत के पात्रों पर आधारित है ये बताइए जल्दी से, है ना। दीपक पंवार जी नोएडा से, बहुत बढ़िया दीपक जी, स्वागत है आपका। 147 नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर आपने उत्तर लगाया कि सर ये अंधा युग जो है ये महाभारत के पात्रों पर आधारित है, बी नंबर अंधा है युग, काय के बिना, धर्म के बिना, तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, बी नंबर। छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है, 148 नंबर का क्वेश्चन है, 148 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। छायावादी कविता का घोषणा पत्र बताइए, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किसे माना जाता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अपन ने पढ़ा भी है कि सर छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है किसको, घोषणा पत्र माना जाता है पल्लव को, पल्लव, ठीक है। पल्लव का रचना काल 1928, रचनाकार कौन है, पंत जी हैं। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहा जाता है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद यहां पर जाते हैं अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है, तार सप्तक का क्या अर्थ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तार सप्तक का अर्थ क्या है अज्ञे जी के अनुसार बताना है। सतीश जी, ओमदेव जी बताइए, बहुत बढ़िया। के एम जी 149 नंबर का क्वेश्चन है, 149 में तो आपका उत्तर बताना है। यहां पर अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का अर्थ है कि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए सात कवियों की रचनाओं का संग्रह है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है, वेरी गुड। मोची राम कविता के रचिता कवि का नाम क्या है, मोची राम, ये किसकी कविता है, 150 में बताइएगा, मोची राम बताओ जल्दी से, मोची राम में बताना है 150 नंबर के क्वेश्चन में। सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि सर मोची राम बताओ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर किशोरी जी वेरी गुड, धूमिल की कविता है, धूमिल की याद रख लेना, मोची राम धूमिल, वेरी गुड। साय में धूप संग्रह की रचनाकार 151 में, साय में धूप बताइए, साय में धूप दुष्यंत कुमार,
धूमिल, रघुवीर शाह या सर्वेश्वर। दोस्तों प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों के क्वेश्चन हो गए इसी में, है ना। तो साय में धूप संग्रह के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 151 का क्वेश्चन है, साय में धूप संग्रह के रचनाकार कौन? फटाफट कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दो। और आपका उत्तर जा रहा कि सर 151 में दुष्यंत कुमार। लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? लघु मानव की महत्ता, लघु मानव की प्रतिष्ठापना प्रति दोस्तों किसने की है? ऐसा क्वेश्चन है लवली जी, राधिका जी, चयन करो, लाइक भी कर दो। 3000 क्वेश्चन की दोस्तों जो बुक है, जिनको भी मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आप एग्जाम के पहले मंगवा लें, आप एग्जाम के 10 दिन पहले भी अगर बोलेंगे तो हम भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि 8-9 दिन दोस्तों इस पुस्तक को आने में लगते हैं। बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आता है ना। स्पीड पोस्ट वालों का 5-6 दिन का रहता है, लेकिन 7-8 दिन छुट्टी उट्टी के कारण दोस्तों लग ही जाता है, ठीक है। यहां पर आपका उत्तर है विजय देव नारायण शाही, सी नंबर। अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? 153 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता दीजिए, अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? चिंता पर, इत्तलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो 153 का बहुत ही बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया है, अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है 153 में? राइट आंसर जा रहा कि सर आंगन के पार द्वार के लिए मिला है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है ना। इसको भी अपन को याद करना है, तो सी नंबर आंगन के पार द्वार बिल्कुल सही। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है? 154 नंबर का क्वेश्चन है, 54 नंबर के क्वेश्चन में सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर सर्वेश्वर या फिर रांगे राघव? चयन करिए जल्दी से। ये बुक छप गई है दोस्तों, बुक है ना, पहले ये नोट्स छपते थे, नोट्स छपते थे है ना, प्रिंटेड होते थे, A4 साइज में छपते थे ए, लेकिन अब ये पूरी दोस्तों बुक छप गई। इसमें कोई भी आपके लिए अशुद्धि नहीं मिलेगी, कोई भी यहां पर मिसप्रिंट भी नहीं मिलेगा, है ना। ये बुक आपके लिए, पहले क्या होता था, नोट्स A4 साइज में प्रिंट निकल के स्पाइरल वाले नोट्स छपते थे, है ना, उसमें थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता था, लेकिन अब दोस्तों इसमें कोई मिसप्रिंट नहीं है। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति की रचयिता बताना है, 154 नंबर का क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ए है, ठीक है। यहां पर आता है आत्मने पद के लेखक कौन है? आत्मने पद, चयन करिए जल्दी से, आत्मने पद, शमशेर, कुमार नारायण, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती? आत्मने पद, मैंने आपको कई बार बताया है कि आत्मने पद पढ़ लिए क्या, है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा आत्मने पद पढ़ लिए क्या? आत्मने, बोले आपकी आत्मने पद पढ़ लिए क्या? बोले सर अज्ञे, पता नहीं, अज्ञे, आत्मने पद पढ़ लिए, तो आत्मने पद अज्ञे अपन को याद कर लेना, अज्ञे यानी कि ये सी नंबर आपका सही है, अज्ञे राइट आंसर। मदन बादशाह किस सप्तक के कवि? 156 नंबर का क्वेश्चन है, 156 में दोस्तों एमपी टेट वाले भी रेगुलर अध्ययन करें, है ना, निश्चित रूप से दोस्तों चुनाव के टाइम वैकेंसी आते ही है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल के, खाली पद भी ना हो तब भी पद निकाल के जुगाड़ बना देते हैं, है ना। तो अगले साल दोस्तों 2023 में एमपी में चुनाव है और घोषणा भी हो चुकी है एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की, तो एमपी टेट वाले भी दोस्तों अपना मानस बना के रखे पढ़ने के लिए, ठीक है। मदन बादशाह बताना है, तब आपका 156 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर जाता है, तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक सी नंबर। कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं? 157 नंबर का क्वेश्चन है, और दोस्तों जो एमपी टेट होता है वो डायरेक्ट सिलेक्शन है ना, जैसा टीजीटी हो रहा है आपका, जैसा टीजीटी हो रहा है, ऐसे ही एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 डायरेक्ट सिलेक्शन वाली ये परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए सभी साथी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? 157 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका पता है कि सर वो नहीं है, कौन? धर्मवीर भारती नहीं है, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर, ठीक है, 157 में। उसके बाद कठोपनिषद के नचिकेता, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? 158 का उत्तर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर अपना गद्य साहित्य चालू होने वाला है दोस्तों, गद्य साहित्य में फिर अपन काय को पढ़ेंगे, उपन्यास को पढ़ेंगे, है ना। फिर यहां पर अपना प्रगतिवाद भी आज ही होगा इसी में, कठोपनिषद हो गया, 158 में। सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर बी आत्मजयी,
ए नचिकेता प्रसंग पर आधारित है, बी नंबर ठीक है, निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है, व्यंग परक बताना 159 नंबर में बताइए, सभी लोग बने रहे है ना, और भी दोस्तों क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है यहां पर बताना निराला की व्यंग परक कविता कौन सी, 159 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को पता है कि सर इनकी व्यंग परक है कुकुरमुत्ता, सी नंबर है ना, इन काव्य धाराओं को, इन दोस्तों काव्य धाराओं को काल के क्रम दोस्तों यहां पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि सबसे पहले कौन सा बाद आएगा, सबसे पहले आपका आएगा क्या, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नवगीत, ठीक है, ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, डी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। अब यहां पर सही कोड का चयन करना है, कौन सी रचना किसकी है, तो बैत्रिषण गुप्त की तो दोस्तों भारत भारती है, अज्ञेय की कौन सी हरिघास पर चणभर है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी है, पल्लव है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, ठीक है, तो इस प्रकार से मैत्रीक्षण गुप्त की रचना भारत भारती, अज्ञेय की हरिघास पर चणभर, पंत की पल्लव, प्रसाद की कामायनी, ये रचनाएं हो गई, ठीक है, उसके बाद सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शब्द शक्ति बताना है दोस्तों, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, 162 नंबर का क्वेश्चन है, 162 में आपका उत्तर आ रहा है सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, तो यहां पर शब्द शक्ति बताना है 162 नंबर में, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया, लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ दोस्तों, 163 का, सभी साथी लाइक कर दें, जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मंगवाना है बिल्कुल अभी से मंगवा लें, मानस बना लें, बाद में नहीं दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर बताना है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, किसके नाम पर हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है, सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर चला गया कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है, 164 नंबर में, पढ़ते रहें दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और आप लोगों के लिए है ना, क्योंकि ये दोस्तों आपका प्रयोगवाद भी यहां पर कंप्लीट होने वाला है, 164 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर क्या जा रहा है कि सर मुकुटधर पांडे की कविताओं में मिलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सटीक क्वेश्चन, वेरी गुड, मुकुटधर पांडे, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, कुंवर नारायण की कृति कौन सी है, कुंवर नारायण की कृति कौन सी है, कुंवर नारायण की कृति बताना, गीत परोसे, आत्मजयी, आंगन के पार द्वार, संशय की एक रात, कुंवर नारायण, कुंवर प्रयाग के कुंवर केदार, कुंवर नारायण दोस्तों तृतीय सप्तक के कवि माने जाते कुंवर नारायण है ना, और आपको बताना है यहां पर कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, कई बार पूछी गई और अंकित जी बताइए, कुंवर नारायण की बोले सर आत्मजयी होते बोले सर कुंवर लोग, आत्मजयी, बी नंबर, उद्धव शतक की रचयिता का नाम बताइए, 166 उद्धव शतक बताइए, गया प्रसाद शुक्ल शनि, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या प्रताप नारायण मिश्र, 166 नंबर का क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचयिता कौन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, 166 नंबर का क्वेश्चन है और आपका चयन करना है कि सर उद्धव शतक पूछा आपने तो आप उत्तर लगा दो जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सा कवि आएगा ये भी बताना है, और ऐसे कितने साथी हैं जिनको दोस्तों ये बुक मंगवाना है, 3000 MCQ साथ ही महत्वपूर्ण कथन भी इसमें दिए हैं लास्ट में, ठीक है, तो 167 नंबर, वो सभी साथी संपर्क कर सकते मंगवा सकते दोस्तों, आपके घर पहुंचेगी, बाई पोस्ट आएगी, स्पीड पोस्ट आएगी, ठीक है, तो आपका उत्तर है कि सबसे पहले आएंगे कौन, भारतेंदु जी 1850 में, ठीक है, हरिओद जी भी अपन को याद रख लेना 1865 में, ठीक है, निराला जी दोस्तों आपको पता है 1897 या 1899, ठीक है, दिनकर जी 1908 में, ठीक है, हरिओद 1865 ही है, एक बार चेक कर देना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, वैसे यहां पर बी नंबर आपका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी साथियों के लिए धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, और क्वेश्चन है आपके लिए, पंत की किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सभी लोग बताइए, जल्दी से बताना है, फटाफट से, सुनील तिवारी जी,
वेरी गुड, हाँ 1865, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पंत की किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 168 नंबर का क्वेश्चन है, 168 में। प्रयोगवाद भी कंप्लीट हो गया आज ही, कल से अपन गद्य साहित्य को पढ़ेंगे, उपन्यास को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 168 नंबर में क्वेश्चन है कि सर सबसे पहले पंत की रचना चिदंबरा को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदंबरा यानी सी नंबर, ठीक है। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना पंत की जी की रचना कौन सी है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सी है, बताओ रतिपाल जी, एम जी, कोचिंग जी, राधिका जी, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। इतना अच्छा सेशन आप सभी साथियों के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, और दोस्तों निरंतर प्रयास किया जाता है कि आप लोग निश्चित रूप से दोस्तों प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने जो अनुभव किया है दोस्तों, वे ये अनुभव किया है कि प्रैक्टिस की कमी के कारण आप 2-3-5 नंबरों से हर बार रह जाते हो। कमी कौन सी है, प्रैक्टिस। क्यों बोले सर, हमारे पास कई बच्चों के फोन आए, कई बच्चों ने बताया कि सर मेरा 2 नंबर से रुक गया, किसी ने कहा 1 नंबर से रुक गया, किसी ने कहा 5 नंबर से रुक गया, और ऐसे हजारों स्टूडेंट थे जिनके 1, 2 और 5 नंबरों से सिलेक्शन रुका है। और वो क्यों रुका है, इसलिए रुका है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और कई स्टूडेंट ने यह भी बताया कि सर बनते हुए क्वेश्चन हम गलत कराए, बनते हुए क्वेश्चन गलत कराए, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है प्रैक्टिस में कमी। आप सिर्फ ये मानते हो कि ये तो सरल क्वेश्चन, एक तो सरल क्वेश्चन है, ये तो हमसे बन जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन आप परीक्षाओं में गलत करके आते हो। ये दोस्तों मिस्टेक बहुत सारे साथियों ने किया है, अब की बार ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, चाहे क्वेश्चन सरल हो या कठिन हो, ठीक है। सरल क्वेश्चन और बनते हुए क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। मनीषा जी, ठीक है, हरीश जी, राधिका जी, आलोक जी, शांति जी, तनु जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है, सभी साथी ये बुक भी मंगवा सकते हैं, प्रैक्टिस वाली, ठीक है। ये बुक लॉन्च की है आप लोगों के लिए, या आप लोग प्रैक्टिस करिए और निरंतर अध्ययन करिए, ठीक है। और दोस्तों ये बुक है 500+99 पोस्ट चार्ज, यानी 599 की है, आपको घर भिजवाई जाएगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। दीपिका, हरमिंदर जी, लवली, संदीप सिंह जी, जसमेल जी, सुमन जी, सुनीता जी, एसपी जी, परमिंदर जी, कीर्ति जी, राजेश्वरी जी, सुलेखा जी, बबीता जी, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, निरंतर जुड़े रहें इसी प्रकार सेल्फ स्टडी क्लासेस पर। आप सभी साथियों को दोस्तों निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया, कई प्रकार से, कई तरीके से दोस्तों ये करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए शेयर करना आप लोगों का कर्म है, आप लोग शेयर करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। सुनीत सिंह जी, विनोद जी, ठीक है, कविता जी, बहुत बढ़िया, राम कृष्ण जी, तेज प्रकाश जी, सुखदेव जी, राजीव जी, धीरज जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नीचे नंबर चला है, नीचे नंबर चल रहा है, जिनको भी बुक मंगवानी है कॉन्टेक्ट कर सकते, नीचे नंबर है दोस्तों, नंबर चल रहा है वीडियो के नीचे, एक पट्टी चल रही उस नंबर है, ठीक है, सभी साथी मंगवा सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।